आप सब मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ, हमारी जो जायज मांगे हैं ये सुनने आया, और ये जायज मांगे आप गवर्नमेंट तक पहुँचाए और आवाम तक भी। तो हमारी जो कुछ डिमांडें हैं बहुत सालों से पेंडिंग है। हमारी तीन डिमांडें हैं जो जायज, बिल्कुल जायज है। एक है हमारी फिक्सेशन ऑफ सेल रेट्स जो पेंडिंग है। 2015 में इन्होंने रेट बनाई, 2015 से फिर इन्होंने 2020 में बनाई। 2020 में जब इन्होंने रेट निकाला वो इन्होंने खुद ही निकाला हमारे बगैर, हमारा कोई मेंबर उसमें नहीं था। उसी दिन से हम एहतजाज पे हैं क्योंकि हमने वो रेट नहीं मानी, क्योंकि बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसी साल मार्च 2020 में इन्होंने जम्मू में रेट बनाई जो इन्होंने 22,000 निकाली, 22,000 ये आर्डर है बिल्कुल उसका। और अगस्त 2020 में इन्होंने फिर कश्मीर डिवीजन का रेट बनाई, वो इन्होंने 21,000 की बनाई। जबकि 2020 तक जितने भी रेटें हुई हैं, जम्मू से कश्मीर का रेट 30% और 35% ज्यादा हुई है, जो भी हर कोई रेट जो भी हुई है। लेकिन पहली बार जो इन्होंने रेट बनाई है ये इन्होंने कम बनाई कश्मीर की जम्मू से। तो हमारी यही डिमांड है, 2020 से अभी तक ये पेंडिंग है, बहुत मार्केट हाई हो गया है, तो हमारी ये जेन्युइन डिमांड है कि इसको अभी रिवाइज करें। दूसरा पॉइंट है हमारा रिन्यूअल ऑफ ब्रिक कगन लाइसेंस जो वो भी 2020 से हमारी पेंडिंग है। हमने बहुत बार डी साहब से अप्रोच किया कि ये जो हमारी रिन्यूअल पेंडिंग है तो इससे हमारी बहुत तकलीफ पहुंचते हैं, हमारी जो फाइनेंस होता है बैंकों से ऑलरेडी हमारे पास हैं तो हमें हर साल वो और एनहांस करना पड़ता है, लेकिन हमारी रिन्यूअल पेंडिंग है जिसकी वजह से हमारी यूनिट जो है सफ़र कर रहे हैं। तो खासकर उसमें हमारा पेंडिंग था पोल्यूशन का, लेकिन पीसीबी ने हमें कंसिट दिया है तो, लेकिन अभी हमें रिन्यूअल जो लाइसेंस का है वो पेंडिंग है 2020 से। ये हमारी दूसरी जेन्युइन डिमांड है, इसको डीसी साहब ये सुने और ये दोनों डिमांड हमारी जायज, दोनों डिमांड ये पूरी करें। तीसरा हमारा एक अहम चीज है, यहाँ माफिया गैंग एक है जो हमें माफिया बताते हैं, जबकि आप देख लीजिए इतना सारा टैक्स हम पे करते हैं। ये बदकिस्मती की बात है, हम टैक्स पेयर हैं, वो जो माफिया गैंग हैं इसी टैक्स के पैसों से सरकारी कोठियों में बैठे हैं और हमें माफिया का नाम देते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। इस पे नोट कितना टैक्स हम देते हैं, हम जीएसटी देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम रॉयल्टी टैक्स देते हैं, इरिगेशन टैक्स, पानी का भी हम टैक्स देते हैं, फिर भी हम माफिया हैं। और जो माफिया गैंग हैं वो हमारी पैसों से इस टैक्स पैसों का फायदा उठाते हैं और हम माफिया हैं वो क्या है। तो ये हमारी तीन जायज मांगे हैं, तो हम तमाम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये तीन हमारी जायज मांगे इसको पूरी किए हमारी, क्या हम इस देश के जिम्मेदार शहरी नहीं हैं? तो हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ मांगते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। देखिए जब इन्होंने रेट बनाई 2020 में, इन्होंने हमें कोयला गाड़ी का कास्ट दिखाया 1,20,000, जबकि प्रेजेंट टाइम इस टाइम जो हमने सीजन चलाया हमने 2,90,000 में वो गाड़ी यहाँ ली। इसमें हमें ये दिखा रहे हैं लेबर का कास्ट, ये 800 रुपये हमें पर थाउजेंड का बोर्ड के, जबकि हमने 1,200 पर 1,000 का दिया। हमारा सार डस्ट है 162 बैंड साज बुरादा, इस इन्होंने हमें उसमें 8,000 का ट्रक दिखाया जबकि वो 30,000 में हमें मिल रहा है प्रेजेंट। इसमें इन्होंने जमीन का रेंट हमें दिखाया 15,000 पर कनाल, जबकि इस टाइम हमें 25,000 पर कनाल हमें डिमांड कर रहे हैं जमींदार। यानी हर चीज महंगा हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रेट को रिवाइज करें जो जायज हो जाए। अगर इनको लगता है, हम इनको कहते हैं कि एक कमेटी बिठाएं,
उसमें हमारा भी मेंबर होगा, मीडिया का भी मेंबर होगा, सिविल सोसाइटी का भी मेंबर होगा, सब बैठ के हम देखें। अगर 21,000 भी ज्यादा होगा तो 20 ही करें, कम करें। अगर 21,000 से ज्यादा बनता है तो क्यों नहीं देंगे सर? 21,000 जो 2020 में इन्होंने रेट निकाली, इन्होंने वन साइड निकाली, हमारा मेंबर उसमें नहीं था, हमारा उसमें उसी टाइम से एहतजाज पे है, हम उसी दिन से कह रहे हैं कि ये रेट हमें मंजूर नहीं है। तब से मार्केट भी ऊंचा हो गया ना? तब हाँ बिल्कुल, आज तक हमने 2 साल हम बिल्कुल इनके दरवाजे खटखटा रहे हैं हर डिपार्टमेंट के, खासकर हमारे डीसी साहब, तब से 3 डीसी साहब तब्दील हो गए। हर हफ्ते इतने रिप्रेजेंटेशन, अपना हमने अपना ब्रेकअप भी पेश किया, हमने पूरी डिटेल दी कि कौन सा आइटम किस रेट पे है हमें, लेकिन ये हमें चला रहे हैं ऐसे। अब हम बहुत तंग आ गए और आज हमने डिसाइड किया कि अब हम सड़कों पे आएंगे, और आज से हम सड़कों पे रहेंगे, क्योंकि 2 साल वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां हम नहीं गए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। केवल इसलिए पेंडिंग था पिछले 2 साल से, हमारे पास पीसीबी का कंजिट नहीं था, एनओसी नहीं था, तो उन्होंने बोला जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम रिन्यूअल नहीं देंगे, लेकिन अभी अगस्त से हमारा आना शुरू हो गया, कम से कम 50% भट्ठों का वो आ गया, और 50% का अभी अंडर प्रोसेस है, वो भी कुछ दिनों में आएगा, लेकिन हम इनको कह रहे हैं जिनका आया है उनका दे दो, उनका रिन्यूअल दे दो, अगर पीसीबी ने दिया तो आप लोग भी दे दो, अब मसला क्या है? और हमें एक्ट के हिसाब से एक एनओसी इनको देना है, जॉर्जी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की और पीसीबी का, वो हमने इनको दे दिया, प्रोवाइड किया, लेकिन फिर भी ये हमें रिन्यूअल नहीं देते हैं आज तक। हल एक तो मैं कहता हूँ कि इसका हल क्या है, हल ये है कि कमेटी बिठाए, डीसी साहब कमेटी बिठाए और रेट डिसाइड कीजिए, उसमें मेंबर हमारा भी होगा, सोशल ये आपका मीडिया भी होगा, सिविल सोसाइटी भी होगा, और एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाए डीसी साहब और रेट तय करे, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और बाकी आवाम से हमारी यही गुजारिश है, हम कोई माफिया नहीं है, हम कोई ब्लैक मिरर नहीं है, कोई हम ये नहीं है, हम भी आम जनता हम भी हैं, हम भी आप इसी सोसाइटी के लोग हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम इतना टैक्स देते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, रॉ मटेरियल हमारा बहुत महंगा हो गया है, लेकिन महंगाई की वजह से भाव भी चढ़ रहा है।